तो हम हमारे भगवान जी का दर्शन लेने महाद्वार से अंदर पहुंच गए। अंदर जाते ही ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में आ गए हैं, और उसी स्वर्ग की अनुभूति मुझे आपको भी करानी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाय गाइस, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एंड मजे कर रहे हो। सो टुडे इज अ सैटरडे एंड आज ऑफिस को एक छुट्टी, मींस आईटी इंडस्ट्रीज में सैटरडे संडे वीकेंड रहता है, आप सभी को ये पता ही होगा। तो मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि सैटरडे संडे क्या घूमना है या कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, कुछ प्लान नहीं था। मैं ऊपर मेरे रूम में स्टडी कर रहा था, बट आज मेरी मौसी जाने वाली है, मेरे मौसा जी भी आए हैं, हम काका बोलते हैं मराठी में, मेरे काका जी भी आए हैं। तो अभी वो टू व्हीलर ही लेके आए, तो कीर्ति मौसी तो गाड़ी पे अभी उनके जाएगी, बट अभी दर्शन वैसे ही रह जाएगा, तो अभी दर्शन को कैसे छोड़े, इसलिए मैं उसको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो यस, मैं आज जाऊँगा और मैं भी कल रिटर्न आऊँगा। तो यस, अभी चलते हैं फल्टन, मेरी मौसी फल्टन में रहती है, तो अभी फल्टन चलते हैं एंड फल्टन के अच्छे अच्छे प्लेसेस भी एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे। तो चलो, तो मैं अभी मेरे मामा के इधर आ गया हूँ, तो यहाँ से हम सभी जाएंगे, काका जी, मैं, मौसी, दर्शन, कीर्ति और आधिराज भी आ रहा है, तो हम सभी जाने वाले हैं अभी फल्टन। ये है दर्शन, जिनको पता नहीं है उनके लिए ये दर्शन है, बिकॉज मैं जब मराठी में वीडियो बनाता था, स्क्रिप्टेड वीडियो होते थे मेरे, कॉमेडी वीडियोज, उस टाइम पे सभी वीडियो में होता था, बट अभी मैं ऑडियंस चेंज कर रहा हूँ, लाइक मैं हिंदी ऑडियंस भी देख रहा हूँ ना, तो उनके लिए ये छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये मेरा छोटा भाई है दर्शन, और ये है आदिराज, मेरे मामा का लड़का है। तो ये मेरी मौसी है एंड ये कीर्ति। बाय बाय। तो अभी हम ताउशी में हैं, तो वहाँ का ये पुल है, हम इसे बंदारा बोलते हैं। तो अभी यहाँ से जाएंगे, एक गाड़ी आ रही थी इसलिए हम रुके थे, बिकॉज वन टाइम एक ही गाड़ी यहाँ से जा सकते हैं, एंड ऐसे सिक्योरिटी के लिए कोई भी पिलर वगैरह वो ऊपर नहीं किए यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ा संभाल के जाना पड़ता है। तो दर्शन की पीठ दुखने लगी थी वो सैक लेके, इसलिए हम थोड़ा सा रुके हैं। तो फल्टन जाने के लिए वैसे दो वे है, एक वे है हम बारामती से जा सकते हैं, और दूसरा एक है, एक आंसू गांव है वहाँ से जा सकते हैं। तो ये पूरा वे गांव से ही जाता है, तो इधर ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती गाड़ियों की, या ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता। बारामती से जाते तो हमें ट्रैफिक भी मिलता और गाड़ियों को भीड़ मिलती, तो इसलिए हमने ये वे चूज़ किया है। तो अभी फल्टन थोड़ा ही बचा है, यहाँ से कितना हो जाता है, हाँ एक 15-20 किलोमीटर अभी फल्टन बचा है, तो अपन उधर ही मिलेंगे। तो हम अभी इस होटल में रुके हैं, तो आदिराज को और दर्शन को वड़ा पाव खाने का था, और मौसी और काका जी भी आ रहे हैं, तो वो आने तक अभी हम इधर एक एक वड़ा पाव खाएंगे। वड़ा पाव खा के हो गए, अभी बिल करते हैं और निकलते हैं। गाइस, ये गोविंद दूध डेयरी है, तो आपने नाम सुना होगा, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बाहर भी जाते हैं। फल्टन गांव में से बाणगंगा यह नदी बहती है, नदी पर बने पुल के एक ओर फल्टन और दूसरी ओर मल्ठन है। फल्टन यह पौराणिक शहर है और महानुभव पंतों की दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ एक प्रसिद्ध श्रीराम मंदिर है, तो हम वही हमारे भगवान श्रीराम जी का दर्शन लेने पहुंच गए। ये है श्री संत मालूजी राजे सहकारी पत्र संस्था, और ये पूरा राजवाड़ा है, और आप देख सकते हो, मीन्स ये ना अपन पुराने जमाने में आए ऐसा लग रहा है। और यहाँ एक मंदिर है, वहाँ भी अपन जाएंगे। ये मंदिर दर्शन, ये कौन सा मंदिर है? जबरेश्वर मंदिर है। जबरेश्वर, हाँ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ जो है वो राम मंदिर है, एंड दर्शन बोला कि ये 6 बजे बंद होता है, तो 6 बंद होने से पहले हमें दर्शन लेना था, तो हम पहले इधर जाएंगे और उसके बाद वहाँ जाएंगे। तो मंदिर में जाने के लिए एक बहुत बड़ा द्वार था जिसे महाद्वार कहा जाता है, वहां से हम मंदिर के अंदर पहुंचे। अंदर जाते ही ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में आ गए हैं, एक अलग एहसास था। वहां की पत्थरों में जो कलाकृति की है वो लाजवाब थी, मेरे पास शब्द नहीं है उस कलाकृति को बयां करने के लिए।
वो क्या सुंदरता थी, मैं सच में बयान नहीं कर सकता। हर साल नवंबर दिसंबर महीने में श्री राम रथ महोत्सव मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी महारानी सईबाई यह फलटन संस्थानिक नाइक निंबाजी के राजवंश से थी। यह पूरा मंदिर लकड़ी से बनाया है और यहाँ के लोगों ने बताया कि मंदिर 350 साल से भी ज्यादा पुराना है, फिर भी मंदिर वैसे के वैसा ही है। मंदिर के अंदर हर भगवान के छोटे छोटे मंदिर है, नंदी जी, महादेव, हनुमान जी, राधा कृष्ण और कई भगवानों के मंदिर हैं। वहां कहीं भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी, सभी तरफ अच्छे लोग, अच्छी वाणी और सकारात्मक ऊर्जा थी। और अभी मंदिर से जाने का वक्त हुआ था, हमारे पैर उठ नहीं रहे थे मंदिर से बाहर जाने के लिए, पर हमें आगे भी जाना था। तो हमारा दर्शन हो गया अभी एंड अंदर ना सो भजन वगैरह चल रहा था, इसलिए मुझे वहाँ कुछ बोलना तो नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सिनेमैटिक सी लिए उधर। तो अभी एक मंदिर है, कौन सा अभी? जबरेश्वर। हाँ, जबरेश्वर मंदिर अभी जा रहे हैं, वहाँ दर्शन लेंगे। तो हम राम मंदिर से निकल के पहुंचे जबरेश्वर मंदिर में। यह बहुत पुराना मंदिर है, पूरा मंदिर बड़े बड़े पत्थरों में बनाया गया है। यह हमारे भगवान शंकर जी का मंदिर है, जितना अंदर से अच्छा है उससे 10 गुना बाहर से भी अच्छा है। जबरेश्वर मंदिर हेमाडपंती शैली से बनाया हुआ पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। देखो कैसा है हमारा धर्म, कैसी है हमारी संस्कृति। पूरा मंदिर देख तो रहा था पर मन में चल रहा था कि ये उस जमाने में कैसे बनाया होगा, किन लोगों ने बनाया होगा, और जिन्होंने भी बनाया है उनके लिए सिर्फ दुआएं ही दुआएं निकल रही थी। उस वक्त के इंजीनियरों ने जो बनाया, आज के इंजीनियरों को पॉसिबल है क्या? क्या लगता है आपको? हमारा अभी जबरेश्वर मंदिर का मैं भी दर्शन हो गया है। तो बेसिकली जबरेश्वर मंदिर हमारे जो महादेव भगवान जी है उनका है एंड ये बहुत पुराना मंदिर है। एंड आप इस पे देख सकते हो कि इस पे जो काम किया है, ये जो पत्थर है उस पे जो कलाकृति बोलते हैं वो जो किया है ना, वो मीन्स बियॉन्ड वर्ड्स है, मीन्स बोल नहीं सकता इसके लिए कुछ भी। राम मंदिर भी वैसे ही था, वो भी 300-350 साल पुराना था एंड ये भी, ये तो उससे भी ज़्यादा पुराना है। तो सच में बहुत अच्छा लगा इधर आके, पॉजिटिव वाइब बहुत है इधर। तो हमारा यहाँ दर्शन लेके हो गया है एंड आदिराज तुझे कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के जो स्कल्पचर्स हैं बहुत ही क्रिएटिव है और इंजीनियरिंग तो बहुत अच्छी है। अगर आपके इंजीनियर्स ने ऐसा सोचा तो नहीं कर सकते, मुझे तो लगा। हाँ, ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स नहीं लग सकते। हाँ, यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। एंड दर्शन तुझे कैसे लगा? मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ पर और इनको ही मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया था। यस यस यस, थैंक यू दर्शन, थैंक यू। तो इस प्रकार हमने राम मंदिर और जबरेश्वर मंदिर देखा, वहाँ की यादें और सकारात्मक ऊर्जा लेके हम घर रवाना हुए। तो अभी हम पहुंच गए घर पे। तो या उनका एक्चुअल घर है निर्गुड़ी में, बट ये एजुकेशन के लिए, कीर्ति के और दर्शन के एजुकेशन के लिए वो मेन फल्टन में रहते हैं फ्लैट पे। तो गाइस अभी रात के बजे है 11 एंड हम वहाँ राम मंदिर वगैरह सब घूम के आए। घूमने के बाद घर पे आके खाना वगैरह खाया, तो मस्त खाना बनाया था एंड देन वॉक करने के लिए चले गए। एंड मेरे ध्यान में ही नहीं था कि मुझे वीडियो एंड करना है, तो अभी सोते टाइम मुझे दर्शन बोला कि अपन ने तो वीडियो एंड ही नहीं किया। तो यस, इसलिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अपना ये वीडियो पूरा यही ख़त्म करते हैं, अभी मुझे बहुत नींद आई है। आपको वीडियो कैसा लगा
आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना, एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू, बाय बाय.